हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो एक छोटा सा वीडियो है फ्रेंड, कि अपने सिस्टम पे कृति देव फॉन्ट कैसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करें। तो कृति देव बोल सकते हैं या तो फिर आप हिंदी फॉन्ट भी बोल सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब दिखाता हूँ, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको और वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कृति देव फॉन्ट को आप इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप डाउनलोड करेंगे। फ्रेंड, अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। आपके भी सिस्टम पे क्रोम ब्राउजर होंगे, आप उसको ओपन कर लेंगे या कोई भी ब्राउजर होगा तो आप ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करने के बाद, ये देखिए मैं क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सर्च में जाएंगे और सर्च में लिखेंगे डाउनलोड। चूंकि मैं इसमें पहले से भी ये सर्च मारा हूं तो इसलिए यहाँ पे आ गया है। तो आप इसमें टाइप करेंगे डाउनलोड हिंदी कृति देव फॉन्ट 010। फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि कृति देव फॉन्ट जो होता है वो बहुत तरह के फॉन्ट होते हैं, तो आपको इसमें जो डाउनलोड करना है 010, जो काफी अच्छा होता है वर्क या किसी चीज को मतलब लिखने के लिए, ये काफी फॉन्ट अच्छा होता है फ्रेंड। तो इसलिए मैं 010 ही बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आप कृति देव हिंदी फॉन्ट 010 आप टाइप करके आप एंटर मार देंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड आप चलेंगे तीसरे में जाएंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है जो हाईलाइटेड हो रहा है उसमें आपको थर्ड वाला ऑप्शन पे जाना है। थर्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ डाउनलोड फ्री फॉन्ट कृति देव 010 विंडो फॉन्ट, इस पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है फॉन्ट, ये आप किसी भी आपका विंडो में काम करेगा, चाहे आपके पास विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, चाहे विंडो 10 हो, ये सारे में फॉन्ट काम करेंगे। अब फ्रेंड मैं आ गया हूं यहां पे, आप देख रहे हैं इंटरफेस हमारा खुल गया है। ये जैसे इंटरफेस खुलेगा आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, और जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड फॉन्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड, देख रहे हैं डाउनलोड हो गया, तो अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड आप यहां पे जाएंगे, देखिए सेकंड ऑप्शन में कृति देव फॉन्ट ये है, आप इस पे दो बार क्लिक करेंगे लगातार। तो फ्रेंड जैसे आप दो बार इसको लगातार क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आता है प्रिंट, दूसरा आता है इंस्टॉल। तो आपको इंस्टॉल पे जाना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, चूंकि मेरे में ये पहले से भी है तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी रिपीट फाइल नहीं करता है फ्रेंड। तो इसलिए जो है, अगर आप में मान लीजिए ये कृति देव नहीं होगा तो ये आप में एक बार में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे बार बार ये फॉन्ट ऑलरेडी इस तरह का कोई ऑप्शन आप में शो नहीं करेंगे। तो फ्रेंड मैं इसको यस कर देता हूँ और देख सकते हैं ये इंस्टॉलिंग फॉन्ट हो रहा, अब ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में कृति देव जो है फॉन्ट आप ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब जो ये फ्रेंड जो मैं कृति देव को डाउनलोड किया हूँ, ये सारे चीज में आ जाएंगे, जितने भी वर्ड होंगे, चाहे एक्सेल होंगे, जिस चीज में भी होंगे, चाहे नोटपैड होंगे, हर चीज में ये फॉन्ट आपको शो करने लगेंगे। तो आई होप फ्रेंड कि आप लोग जो है इस चीज को डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोग के पास कृति देव नहीं है तो इसको डाउनलोड कीजिए और इसका यूज कीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।